नमस्ते गाइस, तो आप देख सकते हैं आज सारे वॉलेंटियर्स इकट्ठा हुए हैं। आज हम ग्वालियर का किला घूमेंगे और हमारे तमिलनाडु के सर है और ये हमारे सर जी और नमस्ते सर, हिमाचल वालों को नमस्ते। नमस्कार, आई एम दिल्ली से। हाँ जी, दिल्ली से। और बहुत ही मतलब आज हम ग्वालियर घूमेंगे और वलकम वलकम सलाम और पूरा एक्सपीरियंस करेंगे ग्वालियर को, किले के इतिहास को पूरा एक्सपीरियंस करेंगे हर स्टेट के। नमस्ते सर, आप कहाँ से? दिल्ली से। जी हाँ, हमारे दिल्ली के साथी और भी टीचर से आपको सबसे मिलाएंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथियों से भी मिलाएंगे हर कैंपस से। थैंक यू सो मच आज आप सभी को। हम गुरुद्वारे में पहुंच चुके हैं, अभी हम बस में हैं और हमारी टीम भी देख सकते हैं यहाँ पर बस में बैठी हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब आपको गुरुद्वारा दिखाएंगे शायद, अगर वीडियो बनाने दें तो। आज तो हम उतर चुके हैं यहाँ पर, पता नहीं कहाँ उतरे हैं, चारों तरफ दीवारें हैं, शायद लग रहा है किला है। देख सकते हैं यहाँ बच्चे बच्चियाँ बहुत हैं। जी हाँ, ऊपर किला है, बहुत ही बड़ा किला है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारी सारी टीमें वहाँ जा रही है और हम भी वहाँ जा रहे हैं। पूरे हैं लाइन में, आगे भी लाइनें हैं, पीछे भी लाइनें हैं और बस चले जा रहे हैं चढ़ाइयों की तरफ। देख सकते हैं आप कितनी चढ़ाई है आगे, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। हम चढ़ाई में आ चुके हैं, पूरी चढ़ाई में। डर क्यों रही हो थोड़ा? और हम गेट में हैं, डरना नहीं है मेरी आवाज़ से। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हम आपको किला दिखाते हैं। खुदकने लगे हुए बकरियां, यही वो पेट भर के खाया करता था पिछले जन्म में। ते हैं आप हमारे धीरे, ये मुंह मत ला बीच में यार, सबको आपको बता दी। ये पीछे का गेट है और आगे का मेन गेट आगे है। यहाँ से बाइक वगैरह ऊपर आती है, कितने यहाँ से व्हीकल्स ऊपर आते हैं, वहाँ से पैदल आते हैं। 750 किलोमीटर 800 किलोमीटर में फैला हुआ है ये किला, नहीं 7.5 और 8 किलोमीटर में, माफ कीजिए। फेंकनी पड़ती है ना, बहुत ही अच्छा बड़ा किला है। आज तो किले के अंदर ही हम गुरुद्वारे में आ चुके हैं, बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा यहाँ पर देख सकते हैं। गुरुद्वारा और यहाँ पर सेल्फी जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं हमने लाल लाल पता नहीं क्या खा रहे हैं, बहुत ही स्वाद है। शायद ही मिली यार, हमारे इन साथी ने दिया है। किसने दिया? हाँ मैम ने दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ कैमरा नहीं पकड़ पा रहा मैं, पर इमली का बूटा मजा आ गया। सभी को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर गुरुद्वारा घूम के और हम बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में हैं, इस राष्ट्रीय एकता शिविर में हम में एशिया का जिब्राल्टर है। हमारे साथ पूजा है, मधु भाई है, हरप्रिया है, मैं हूँ, हमारे साथ एक और ब्लॉगर, हम भी ब्लॉगर है और हम सब ग्वालियर के एक वॉलंटियर भी है। हम सब यहाँ पर बहुत ही खुश हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत ही आजादी महसूस हो रही है। हेलो गाइस, सो वी आर गोइंग टू नमस्ते गाइस, तो देख सकते हैं हम गुरुद्वारे से आ चुके हैं और मेरा शूज गायब हो चुके हैं। देख सकते हैं गुरुद्वारे से ही शूज पता नहीं किसने उठा लिए, कहीं नहीं मिले, इतना ढूंढा, बहुत ही दुख की बात है। पर चलिए कोई बात नहीं, गांधी जी बनेंगे अब नंगे पैर, चल चल खून चलेगा। तब तक आप ये देख लीजिए, अब अगर गायब तो हो गए हैं जूते, पर घूमेंगे तो हैं। और देखिए गाइस, तो ये देख सकते हैं हमारी तोप है, इसे गोलियां चलती है। टोपी पा लेते हैं ताकि लोगों को पता लग जाए। हम चढ़े जा रहे हैं, देख सकते हैं हम अपनी पिछले जन्म की वीरानी को ढूंढ रहे हैं और देखते हैं कहाँ मिलेगी। हम घुस चुके हैं यहाँ रानी की तलाक में, देख सकते हैं आप हमारे सारे ही कैंपस और ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा मकान। फॉरनर्स या वी रियली एंजॉय अ लॉट इन दिस कैंपस।
वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज एंड आई एम वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज किला इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड आई लव दिस वेरी वेरी मच थैंक यू सो मच हेलो सर आई एम आल्सो ब्लॉगर यूट्यूबर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इंडिया ओके वेरी नाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर सारे ही फॉरनर्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है सेल्फी मोड ऑन वेरी बिग सेल्फीज लेनिंग ऑल नाइस ब्लॉगर्स देख सकते हैं आप वी रियली एंजॉय अ लॉट इन दिस कैंपस एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉरनर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज थैंक यू गाइस सो मच आप कौन सी कहाँ से हो मध्य प्रदेश तो घर के पास ही है तो ठीक है हम घर के पास ही है घर के पास ही है वेरी सुरंग लोट ऑफ सुरंग देख सकते हैं आप सारे यहाँ सुरंग अच्छा लग रहा है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है बस यही सब बोल सकता हूँ और क्या बोल सकता हूँ फिर वहीं आ गए हम घूम फिर के बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा घूमे जा रहे हैं अपनी पिछले जन्म की रानी को ढूंढ रहे हैं पिछली बार भी जयपुर में ऐसे ही किले में घूमे थे पर ये उससे भी बड़ा है और वहाँ पर अपने को रानी मिल भी गई थी पर इस किले में लगता है मुश्किल होगा रानी ढूंढना और देखते हैं अब हमारे पिछले जन्म की रानी यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर आप यहाँ इसी किले में बनाया था आपने पिछले जन्म में हाँ मैंने बनवाया ईंटें आपने ढोई थी ना नहीं ईंटें ईंटों का इसमें काम नहीं है आपकी आंखें फूट गई हैं ये सब हमारा पुनर्जीवन है हमने इस किले का निर्माण किया था हमारा अगला जन्म है ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है फिर से इस जन्म में मैं मजदूर नहीं था अच्छा और वो होंगे ठेकेदार होंगे मैं था प्रोड्यूसर अच्छा प्रोड्यूसर है फिल्म थोड़ी चल रही है अरे पैसे लगाने अरे फोटो शूट करो यार ये सर हमारे बहुत ही इस किले को बनाने में इन्होंने बहुत हेल्प करी थी पिछले जन्म में ये इनका पुनर्जीवन है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और देख सकते हैं आप ये हमारे असम की टीम दे रही है हमारे हरियाणा के साथी लोग भी मिले हैं देख सकते हैं इन्होंने हाथों में जूते लिए और मेरे जूते किसी और के हाथों में गुरुद्वारे में गायब हो गए बहुत ही अब नंगे पैर घूमना पड़ेगा पर हाँ जी मैम सेल्फी थोड़ी देखिए हमारे को जूते दे रहे हैं हमने बूट दिए हैं पर मैं हम नंगे पैर आपके अच्छा अंगूठे में लगी है तो कुछ नहीं समझ सकते हैं हम और आपको कैसा लगा किला बहुत अच्छा टाइम पास करना मतलब पैरों में दर्द करने के लिए किला बनाया गया है बहुत देखा पिछले जन्म में रानी हमने बनाया था ये किला ये हमारा पुनर्जीवन है फालतू आदमी है हमारी रानी ही रहा करती थी गाइस देखिए ये अब उड़ेगी तोप के साथ जाद आपने वो देखा होगा छोटा भीम उसमें चुड़ैल आती है ना झाड़ू में बैठ के कह रहा तू चूड़ा चूड़ा नहीं चुड़ैल बोल रहा हम नीचे जा रहे हैं जहाँ राजा सीट के जाया करता था देख सकते हैं मैं इंडिया के फ्लैग के नीचे बैठा हुआ हूँ और आसपास देख सकते हैं माहौल सारे ही फोटोग्राफ ले रहे हैं किले को एंजॉय कर रहे हैं और मैं तपस्या कर रहा हूँ आगे देख के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आंटी आप हमेशा याद रखते करो हिमाचल वालों को नमस्ते हिमाचल वालों जी आगे और कुछ बोलो बस ये जिंदगी अपनी जगह है और ये जिंदगी असली है सारे यहाँ घूम रहे हैं किला घूम रहे हैं पर इनका कोई वो दुनिया आराम से सो रहे हैं सर आप ठीक हो कहाँ से आने काट भी सकते हैं इसलिए दूर रहो हमारे शाहरुख खान अपनी काजल का वेट कर रहे हैं हाथ खोल के कब आएगी इनकी काजल पता नहीं ऊंचाई में पहुंच चुके हैं और हमारे सर जी सर इस किले के बारे में कुछ कहिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारा NYP कैंप का संचालन किया जा रहा है जिसमें भाई सुब्बाराव जी का द्वारा किया जा रहा है जिसमें एक आज एक साइड सीन का भी है जिसमें हम हिमाचल की टीम और अन्य टीम में भी आई हुई है पंकज जी के भी साथ हूँ मैं और भी कई स्टेटें आई हैं बंगाल असम इसके अलावा हरियाणा मैं सभी स्टेट के साथ यहाँ पहुँचा हूँ और सभी से हम सभी एक मंच पर आकर यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए एकता में रहना चाहिए भाईचारे से रहना चाहिए और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और आपसी लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए धन्यवाद जय जगत थैंक यू सो मच सर बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर और देख सकते हैं आप यहाँ से पूरी जन्नत दिख रही है
हिमाचल के साथी भी एक दूसरे की ले रहे हैं फोटो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कैमरा ही तो है आपका, मुँह में घुसा दो कैमरा तो बहुत ही ऑर्गेनाइज देख सकते हैं। ये सब मेरे लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि मेरे व्लॉग में आ सके। जी हाँ गाइस, ये सब मुझे बोल रहे थे कि हमें व्लॉग में आना है, तो मैंने बोला एक जगह बैठ जाओ और फिर सारे व्लॉग में आ सकते हैं। ये हमारे सर जी डिसिप्लिन इंचार्ज है, वेलकम वेलकम जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बेचारे जिद कर रहे थे हम सबको व्लॉग में आना है, तो मैंने इन्हें बिठा लिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पुण्य लड़की मुझे मिली है इनके कर्म बहुत पानी है। इनसे पानी मांग रहा था मैं और इन्होंने पानी दिला दिया। आपका पानी है सर? भगवान आपको अच्छी लाड़ी बच्चे दे, बहुत सारे जितने आप चाहो। बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, ये सारे इकट्ठे हुए हैं मेरे लिए। और ये देखिए हमारे कैमरामैन कुछ साथी। सर हिमाचल वालों को नमस्ते करो, हिमाचल वालों को नमस्ते करो ना सर। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, मैं हूँ राघव, मैं एमपी से हूँ। और जो मेरा भाई दोस्त हिमाचल से है, इसका नाम मुझे पता नहीं है, बट जो अभी अपना कोई बात नाम में क्या रखा है। तो ये सबकी लेते हैं और मैं इनकी अभी वीडियो ले रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सबकी ले लेकर नहीं पता बिना ले मतलब। अरे हमारे बहुत अच्छा लगा सर आपका, बहुत गंदा लड़का है ये, तुरंत जाके बैठ जाएगी, मैं भी इसकी टोपी फेंक दूंगा। कितना बढ़िया लड़का है, बहुत ही खुशी होगी देख सकते हैं। इन सब ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि हमें व्लॉग में आना है, तो मैंने बोला एक जगह बैठ जाओ, इन सबको व्लॉग में आना था, इसीलिए देखिए। हाँ बनाना की वीडियो बना, देखिए से हेलो से हेलो हेलो। बस बस थैंक यू। भाई जी की कामना, सद्भावना सद्भावना। आज की नारी कैसी हो, झांसी रानी जैसी हो। आज की नारी कैसी हो, झांसी रानी जैसी हो। एक ही नारा, भाईचारा भाईचारा। बस गाइस मेरी स्टोरेज फुल हो रही है। जय जगत जय जगत जय जगत पुकारे जा। ओ माय गॉड, कितनी जनसंख्या है देखे यहाँ पर, सारे मेरे व्लॉग में आने के लिए आ रहे हैं। हम सर उठा रहे हैं सारे मैम। आपको अच्छा लगा ग्वालियर बहुत ज्यादा? कौन सा हमारा अच्छा लगा? और हमारे प्यारे पंकज के चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आप भी प्लीज हमारे ग्वालियर के फोटो विजिट करिए। मेरे जूते चोरी हो गए, क्या कहना चाहिए? एंड प्लीज इनके जूतों के लिए रिक्वेस्ट करिए, जो कि इनके खो चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ढूंढने के लिए, प्लीज आप भी अगर प्रे करेंगे तो। मैंने बहुत मेहनत से ली थी, मैंने नहीं मेरे माता पिता ने लिया था और बहुत ही मेहनत से लिया था। अब क्या करें, जिसको भी मिले हैं इंजॉय करिए। बहुत ही सुंदर किला है, आप पूरा देख किला देख सकते हैं मेरे पीछे, मतलब आपको जन्नत दिखेगी, जन्नत देखिए, जन्नत जन्नत जन्नत। मैम आप कौन सी स्टेट से हो? एमपी से। तो आप शर्मा क्यों रहे इसके? वीडियो बनाने में भाग्य की बात है। नहीं पिछले पिछले जन्म में आप इसके महल की रानी थी, आपको कैसा लगता था? तीन लंगूर हमारे हिमाचल प्रदेश के, बस ये अलग ही घूमे रहते हैं। ये देखिए हमारा किला, और ये आपको जो दिख रही है ये तोप है। यहाँ से पहले गोलियाँ निकलती थी, छोटी छोटी गोलियाँ निकलती थी, और वो हमारे नमूने यहाँ पर डांस कर रहे हैं और बेहतरीन नज़ारा यहाँ पर। नमस्ते, मेरे पैर में कुछ उभरा था और मैं मेरे इस साथी ने इतना साथ दिया, मतलब बस दे दो ना दीदी। ओ नंदर नंदर चलो काटे लागले बिचारे जब आए, मेरे पैर में कांटे लगे और इन्होंने इतना मदद किया, थैंक यू सो मच। बस उतार दो गाइस। तो हम फिर से अब जा रहे हैं कहीं कहीं जा रहे हैं, पक्का नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, पर जा रहे हैं बस देखिए। और हमारा किला पीछे छूटता ही जा रहा है, धीरे धीरे छूटता ही जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक सफ़र है, ऊपर से नंगे पाँव तो स्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टिंग और सारे कैंपर चीज़ियाँ ले रहे हैं। मैंने भी ले ली थोड़ी सी जी, हाँ मेरे को ना 20 रुपए की स्टिंग 25 रुपए में दी, पर मैं मना नहीं कर पाया। ये थोड़े दिन कैमरे के इनका खट्टा
खट्टा खाने का मन कर गया, इमली खाने का मन कर गया है। दिस बॉय फ्रॉम पुडुचेरी द ब्यूटीफुल प्लेस इन द केरल तमिलनाडु बॉर्डर देयर यू हियर अबाउट द पुडुचेरी देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल केरला वेरी ब्यूटीफुल एंड कोकोनट ट्री वेरी कोकोनट ट्री आर देयर एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। So this boy, you are Puducherry from two. हाँ पुडुचेरी से दो लोग आए हैं टू, बाकी करना तमिलनाडु से बहुत सारी टीम आई है पर पुडुचेरी बहुत है जी। हम उतर रहे हैं, उतरते ही जा रहे हैं और हम किले से वापस जा रहे हैं। झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर चलो चलो चलो। गाइस यहाँ पर हम बस में बैठे हुए हैं और हम घूम रहे थे, बहुत ही दुखी हूँ मैं इस वक्त क्योंकि सच्ची इस बार मेरे शूज़ गुम हो चुके हैं, मतलब इतनी मेहनत से लिए थे और अब मुझे पूरा हिमाचल प्रदेश पैदल ही जाना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे हो बंदे का दुख कितना है, बंदे में दुख ये देखो मेरे पैर चोट क्या दिख रहा है आपको, कांटे चुप चुप के पूरे हाल हो गए, ये सब मुझे कर रहे हैं और मैं दुखी। जहाँ हमारा कैंप शुरू है बहुत ही बुरा हुआ, पत्थरों में भी नंगे पैर चलना पड़ा, बहुत ही दुख है जिंदगी में। एक और एक और एक और ब्लॉग में एक चीज और देंगे, ब्लॉग में एक चीज और देंगे अपन, इनकी चप्पल खो गई है, जिन्हें भी चप्पल मिले इनकी दे दें, चप्पल जूते थे ग्वालियर में चोरी हुई है। हाँ जी अगर हिमाचल में मिले तो जूते की कहाँ क्या था जूता, चमड़े का जूता था, चमड़े का जूता मेहनत से लिया था, कहाँ से लिया था मेहनत से लिया, मेहनत से जे क्या मूंगफली बेचते हैं हिमाचल में बहुत ही मेहनत, केसर जे जो कश्मीर की केसर है वो लेके हिमाचल तक लाते हैं बिल्कुल, फिर ये बेचते हैं। अब इतनी मेहनत, वैसे इनका ज्यादा धंधा है, 3-4 करोड़ रुपया कमाते हैं ये दिन का, लेकिन वो जूता भी बहुत महंगा था, वो जूता महंगा था खाली 20 रुपए का, 200 रुपए का, 200 रुपए एटलीस्ट 500 तक का था यार, सच बताऊं 500 का तो था, 500 रुपए का जूता और सिर्फ कैंप के लिए खरीदा था इन्होंने, सिर्फ नया और ग्वालियर कैंप, ग्वालियर कैंप की एक इनकी मेमोरी रह जाएगी कि जूते चोर यहाँ पर बहुत हैं जी। हाँ देखो वो भी जूते चोरी नहीं हुए, मतलब मैं ना मतलब पता नहीं कहाँ, जैसे में उठाऊँ क्या, मैंने जहाँ रखे थे किसी ने वो किसी ने ना वो वहाँ से चक्के पता नहीं कहाँ रख दिए या फिर घर ले गया क्या हुआ पता नहीं लगा, नहीं मेरे सबके साथ ही उतारे थे, अरे सरदार जी ने रख दिए होंगे यार, हाँ पता नहीं सरदार जी ने कहाँ रख दिए पता नहीं लगा, वहाँ के गार्ड्स ने कहाँ रख दिया, तुम्हारी मेमोरी हमेशा की रह जाएगी भैया, थोड़ा रिव्यू दे इनका, जूते खो गए तो हाथ ही थक गया, आप पकड़ो थोड़ा मोबाइल, हाथ थक गया मेरे, खाना बनता है देख सकते हैं आपको सुंदर मैस, यहाँ कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, इनको कोई पता नहीं कि मुझे कितना दुख है और बहुत ही लंबी लाइन, आज खाने में शायद कुछ मिले बहुत स्वादिष्ट। तो हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, बाढ़ में जा रहे हैं, यहाँ का बहुत बड़ा हेरिटेज मार्केट है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम होगा और जिसका ब्लॉग आप देख रहे हो इन भैया का, ये वहाँ पे संस्कृत भाषा का प्ले कर रहे हैं, मेरी वीडियो बनाना भी अच्छी प्ले कर रहे हैं, इस बारी वीडियो बना देना okay, okay, okay. और मेरे को दे देना क्योंकि मैं ब्लॉग में डालने लोगों को दिख देने, और देखे सारी स्टेट के तैयार हो रहे हैं, सब अपने अपने स्टेट में जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, हम बस में बैठ चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सारे कल्चर यहाँ पर बैठा हुआ है, सारा कल्चर ब्लूटूथ निकालो बस में बैठा हुआ है, चले जा रहे पीछे बस भी आ रही है हमारे और आगे भी बहुत बस है, पूरी भीड़ है बस में चले जा रहे, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, बसेस भी आ गई है, तैयार हो रहे हैं देख सकते हैं, अभी ये मेरी टोपी निकलेगी और मैं धरती माता से अपना चैनल सब्सक्राइब करा रहा हूँ, देख सकते हैं बाकी सब तैयार हो चुका हूँ, सभी तैयार हो रहे हैं, ये हमारे फोटोग्राफर ये हमारी लेते हैं और ये हम हमारी भी ले रहे हैं, चलिए।
पंडित जी पंडित हमारे भूत, हम इसका भूत भगा रहे हैं। ये मेरा चिकना चिकना वो मेरा मेकअप कर रहा ना नहीं लगा क्या बना है तो और भी ओ ये भूतनी आ गई आलू जागरा जागरा तू मेरा मांगला ये लल्ला भंडार पूरे लोट में दे अंगा आलू तूने रंगन तो मेरे गुण उड़ दिए छोरी छोरे से कम ना है। संस्कृत भाषा कभी कभी ये लोगों का मन में भी ये नहीं है कि संस्कृत भाषा हमारा देश का है कि नहीं, संस्कृत को भी हम लोगों ने मान्यता दी है हमारे संविधान में। बुद्ध जन कारण तारण दाता बाण कवीश्वर भार विगीता देवी गवी अम भारत माता कालिदास जय भाग्य निदान भारत की संतान। उसके बाद हम लोग अभी थोड़ा हवा हो रहा है फिर भी दीप जल रहा है, संस्कृत का दीप जली, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे। आमा है भारत की संतान गायारा हिंदुस्तान गाइए एक हमारा देश हमारा हमने भारत की संतान कर दिया है और अब चांद देख सकते हैं, अब जा रहे हैं वो भी हमारी भारत की संतान देख के, बहुत ही अच्छा लगा हमें करके। नमस्कार आप कौन से हो? मैं भी इंडोनेशिया से। थैंक यू सो मच। और देख सकते हैं आप यहाँ पर ताजमहल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम हमारे साथी से मिलेंगे, ये हमारे बुड्ढी के बाल भेज रहे हैं भैया। आप को नहीं बोल रहा मैं, भैया नमस्ते, मैं हिमाचल प्रदेश से, उनको हेलो कर दो हिमाचल प्रदेश। हेलो हेलो, मैंने आपको 20 रुपए का लिया था। हाँ जी, बहुत स्वाद था, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और क्या कहें, बस चला रहा है इंटीग्रेशन कैंप। और नमस्ते सर जी, हमारे हिमाचल वालों को नमस्ते। अरे भाई नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बिल्कुल अच्छा लगा। फोटो भी करा। हाँ जी हाँ जी, इधर से आई। हाँ जी, लाइट आ रही सर। अरे कोट
दीदी से मिलाएंगे। नमस्ते जी, नमस्ते। इन्होंने हमारा स्टेज हैंडल किया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया करा। थैंक यू सो मच, वेलकम। बहुत ही अच्छी लग कैंप का आखिरी दिन था बाहर का, मतलब कल सुबह तो वही होगा सारा प्रोग्राम। अच्छा। और बहुत ही अच्छा लगा, तीन नंबर मत ये हमारी बहुत ही मदद करी इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में, मैम का डिसिप्लिन। आपका कैमरा बहुत ही खराब है, मैम लाइट बढ़ी, मैम आपका लाइट देखिए सारी बिल्डिंग दिखाई, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर यहाँ कोई रानी रहा करती थी क्या? ये पूरा ही ये महल था, इसके अंदर तो लेने गए, ऐसे क्या बार बार से ही है? ये अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो सब कुछ गवर्नमेंट बाप की प्रॉपर्टी रही है। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, ऑटो वाले भैया भी पीछे पीछे आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे सारे साथी लोग वहाँ जा रहे हैं। और मैम से थोड़ी बात करेंगे, मैम कैसे लगा आपने इतना बड़ा कैंप ऑर्गेनाइज करवाया? बहुत ज़्यादा, मतलब हाँ जी, मैं इतना अच्छा लगा कि लगा बहुत ही फिक्र भी थी, टेंशन भी थी आपको, बहुत दबाव भी था, पर आपकी आवाज़ भी थोड़ी ख़राब लग रही है, पर चलिए चलो होता है, अब इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई मिस यू लिटरली, आई बहुत मिस करूंगी, बहुत अच्छा। मैं फिर आऊंगा, अब तो ग्वालियर एमपी से, ग्वालियर एनवाईपी से जुड़ गया हूँ मैं, भाई जस्ट दो बार मिले हो गया। हाँ बोलो, अच्छा बोलो बोलो बोलो, अब नहीं बोल रहे, अब बोल मोशन मोशन लाऊंगा बस। एक्चुअली देखो मेरा इससे दो बार मिलना हो गया, भाई जस्ट वो भी, लेकिन ओह माय गॉड, मैं अब इसको बुला नहीं पाऊंगी, बहुत अच्छा जी। हाँ थैंक यू, वो तो मेरे अपनों को ही पता है कैसा हूँ मैं। हो मेरे ब्लॉग गाइस, और अब हम मिलेंगे थोड़ी कश्मीरी आंटी से, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आंटी। आपको कैसा लगा? व्हाट यू मीन आंटी? अंकल जी। हाँ मैं अंकल, आप आंटी जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे तो चलो छोड़ो, ओह मेरा हाथ थक गया, आस पास आप देख सकते हैं, बीच में हम वीडियो बना रहे, चौक के बीच में हम वीडियो बना रहे। दादाजी रुको, सबर करो, सबर करो, रुको बेबा, सबर करो। देखिए बीच चौक में हम वीडियो बना रहे हैं, डर ही किसी चीज का नहीं है, डर ही किसी चीज का नहीं है। देखो तुझे आंटी, रुको दादाजी बोलिए, दादाजी बोलिए, भैया आंटी सुनती हो तो, मतलब कैम में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम चले जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, सारे स्टेटों से हम मिलना जुलना करेंगे, बहुत ही अच्छा। आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेंगे, गुब्बारे लिए हैं, पता नहीं कितनी देर बचेंगे, नहीं बचेंगे भगवान जाने। आई लव यू वाले लिए, गुब्बारे लिए, पता नहीं कितनी देर बचेंगे, ऊपर ही चढ़ जाता हूँ। भारत की संतान जा रही है, भारत की संतान आइसक्रीम हो रही है, आइसक्रीम आ रही है, दुनिया जा रही है, हम भी जा रहे हैं, कल कल हम हिमाचल प्रदेश वापस जा रहे हैं। मैं गाइस हम चल चुके हैं, और हमारे पायलट साहब भी एरोप्लेन उड़ाने वाले हैं, मैंने गुब्बारे लिए हैं, और बस हमारा एरोप्लेन उड़ने ही वाला है, थोड़ी ही देर में देख सकते हैं आप, ये उड़ गया। और अब हम हवा में हैं, आप देख सकते हैं हम चले जा रहे हैं बस में। ओह बंदी कटी जाओ, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, सब देखो रश है भीड़ बस में। तो हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और सारे उतर चुके हैं, अब हम खाना खाएंगे, खाना। ये देखिए हमारा स्कूल यहाँ कैंप लग रहा था, और हम धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं गुब्बारा लेके। कल बहुत आश्चर्य, मैं अभी भी नंगे पैर ही घुमाऊँ पूरी दिल्ली में। ये देखिए हमारे बोर्ड हिमाचल प्रदेश के हैं, पहले ही तो सारे लोग खाना खा रहे हैं, सर भी खाना खा रहे हैं, और सारे बैठ के खाना खा रहे हैं, हम भी अब खाना खाएंगे। हमारे थोड़ा कैंप चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेल्फी प्लीज, सेल्फी ना, सेल्फी प्लीज, सेल्फी, एक स्माइल, 1 2 3। गाइस इन्हें लग रहा है मैं फोटो ले रहा हूँ, पर मैं वीडियो बना रहा था। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गाइस देख सकते हैं ऐसा स्माइल कर, प्लीज एक फोटो देखो, यहाँ से खींचती है, खींचोगी क्या मत करो। थोड़े अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेंगे, दोस्तों के नहीं टीचरों के साथ, माफ कीजिए, हमारे सीनियर से यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा सीनियर है पूरा कैंप। ओ भैया
हेलो कर दीजिए हिमाचल वालों को। हाय ब्रो। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छा कैंप और मैच करवाया, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही मेहनत करी आपने यहाँ पे। किसी भी कोई भी गलती हुई हो, नहीं नहीं गलती गलती तो इंसान पुतला है। आप यहाँ आए, आपने आपका हर चीज में सहयोग दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ आपका। आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने भारत की संतान को आगे ले जा रहे हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये हमें देख कर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत हम भी करेंगे सर, भारत में और संतान भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो ठीक है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैम 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 हेलो कर दीजिए हमारे हिमाचल वालों को, एक सेल्फी लोगे? हाँ जी गाइज, स्माइल कर दो थोड़ा। गाइज ही नहीं लग रहा है, मैं फ़ोटो ले रहा हूँ पर मैं वीडियो बना रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और सर 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 एक फ़ोटो सर, सेल्फी प्लीज। ओके लास्ट दिन आज सर। ओके तो गाइज स्माइल करिए प्लीज़। हाँ हाँ गाइज, इन्हें लग रहा है मैं फोटो ले रहा हूँ पर मैं वीडियो बना रहा था। यहाँ से फोटो लेते हैं अच्छा, तो स्माइल। गाइज इन्हें भी पता है मैं फोटो नहीं ले रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी खड़े हुए हैं। किसी चीज ये देखिए, हमारे यहाँ पर छोरे मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम एक सेल्फी भाई, भाई हमें भी ले ले ब्लॉग भैया, लास्ट ब्लॉग नहीं एक सेल्फी। क्यों भाई, एक आखिरी दिन है प्लीज। ठीक है सर। मैम स्माइल प्लीज। अच्छा हमने है, स्माइल तो करो सर। तो गाइस इन्हें भी ऐसे लग रहा है कि मैं फोटो ले रहा हूँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। कितनी बार बोलूं, कितनी बार बोलूं सबको। गोभी बनी हुई है, फुलके बने हुए हैं, खीरे बने हुए हैं, अचार बने हुए हैं और आखिरी दिन है फिर लंबा। गाइस देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन हो रही है। तू आज आज ब्लॉगर हो, थोड़ा बोलो ना, कुछ बोलो ना। हिमाचल वाले को आंटी आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आंटी इधर दीजिए। तो भैया ये जो आपको हिमाचल की टीम दिख रही है इधर, हम इसका धन्यवाद करते हैं कि ये ग्वालियर में आए, और इनका नहीं करते हैं क्योंकि ये गलत आ गए हैं, ये बाय मिस्टेक प्रोडक्ट है। ये इतनी सी गलती है, इतनी थोड़ी बड़ी थी इनकी, इतनी सी गलती है बस, बड़ी थोड़ी यार। तो सभी का धन्यवाद कर रहे हैं यहाँ से, बाद में ये देखेंगे तो इनको अच्छा लगेगा ये। थैंक यू सो मच, भगवान आपका भला करे, बच्चे करे, शादी करे। गाइस तो आज भारत की संतान भी होगी, तो हम अब रूम में जा रहे हैं सोने। जी हाँ जी हाँ, हमारे मित्र भी वहीं होंगे सारे, और हम अपने रूम में आ चुके हैं। गाइस हमारा बहुत ही अच्छा रूम, और मैम उससे आपका बहुत अच्छा डांस था, और उससे भी ज़्यादा अच्छा कल से भी ज़्यादा मतलब।